गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे ऑन सेल्फ लव। सेल्फ लव ये चीज़ है जो आज बहुत ज़रूरत है हर एक को। हम सेल्फ लव क्यों नहीं कर पाते? हम नहीं करेंगे तो कोई और तो नहीं कर सकता। आपको इस बात को समझना होगा। सेल्फ लव इसका मतलब ये नहीं कि ये जो मैं दिख रहा हूँ बाहर से उससे प्यार। नो, सेल्फ लव, सेल्फ लव मीन्स लविंग द सेल्फ, द सोल। वो एनर्जी, वो प्योर डिवाइन एनर्जी जो मैं हूँ, जो आप है, जो संसार की हर आत्मा है, उससे प्यार, उस अपने आप से प्यार। ये कितना ब्यूटीफुल है। भगवान ने हम सबको कितना खूबसूरत बनाया है, राइट? हम वो उस इमॉर्टल एनर्जी से प्यार, अनकंडीशनल प्यार, कोई कंडीशंस नहीं। आज सारे दिन में हम देखें, हम कितने बार खुद से सच में प्यार करते हैं। हम दिन में कई बार अपने आप को जज करते रहते हैं कि तूने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया, मैंने वो किया, मैंने ये कर दिया, ओके इट्स फाइन, या मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ। हम अपने आप को लेबल करते रहते हैं सारे दिन। हम कई बार अपने ही लिए क्रिटिकल होते रहते हैं कि मैं जो हूँ ना, मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, मैं जो हूँ ना, मैं, मेरे साथ ऐसे ही होता है, मैं बहुत जल्दी हर्ट हो जाती हूँ। बहुत सी बातें हैं जो हमने अपने आप के अंदर ना एक खुद को लेबल कर दिया। हम हर बात में अपने ऊपर क्रिटिकल हो जाते हैं। गाइस हम कहते हैं दुनिया, लोग हमसे प्यार नहीं करते, हमारे अपने हमसे प्यार नहीं करते, हमें समझते नहीं है। लेकिन क्या रियल में हम अपने आप को समझते हैं? क्या सचमुच हम खुद से प्यार करते हैं? द नीड इज टू बिगिन फ्रॉम हियर, यहां से शुरुआत करने की जरूरत है। बाहर जिस इंसान के साथ आप 24 घंटे रहते हो, अगर आप उसको हर पल जज कर रहे हो, आप उसे कह रहे हो तूने ये किया, तूने वो किया, तू ऐसा है, तू ऐसा है, तो सोचिए आप उसके साथ में हैप्पी नहीं हो, आप उसके साथ में खुश नहीं हो। जब आप खुद खुद के साथ में खुश नहीं हो तो बाहर कोई आपके साथ खुश कैसे हो सकता है? जब आप खुद खुद को हर बात के लिए उंगली उठाते हो, ब्लेम करते हो, तो बाहर वाले कैसे आपको माफ कर देंगे? वो कैसे आपको एक्सेप्ट करेंगे? गाइस यूनिवर्स आपको वो नहीं देता है जो आपको चाहिए, बट यूनिवर्स आपको बस वो देता है जो आप हो। अगर आप प्यार हो तो ये यूनिवर्स सारा का सारा आपको प्यार ही देता है। आप नहीं कहोगे कि ये मुझे ऐसे करता है, ये मुझे जज करता है, क्रिटिकल होता, नहीं। आप कहोगे एवरीवन लव्स मी। और ये शुरुआत आपको पहले अपनी आप से करनी होगी। ये यूनिवर्स तो एक मिरर की तरह है। जो आप हैं, अगर आप प्यार हैं तो ये प्यार ही प्यार आपको दिखाएगा आपकी ज़िंदगी में। और अगर आप हर बात में क्रिटिकल होते हैं, हर बात में खुद को जज करते हैं, अगर आप खुद ही खुद को दोष देते रहते हैं कि तूने ऐसे किया, तूने ऐसे किया, तेरे वजह से ये हुआ, तो लोग भी आपको वही तो करेंगे। गाइस सबसे पहला प्यार हमें खुद से होना चाहिए। हमें भगवान ने बनाया है, हम खुद बनकर नहीं आए हैं। दिस इज नॉट मी, ये हमें बनाया है। हम बनकर पहले आए थे, यस। कुछ समय के बाद हमारी कंडीशनिंग हुई, हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी जिसके बाद हम कुछ और बन गए, बट ओरिजिनली तो हम उस प्योर एनर्जी, उस डिवाइन एनर्जी से बने हैं ना। तो हम क्या, हमें खुद से प्यार नहीं करना चाहिए? हम गॉड की क्रिएशन है, हम कहते हैं, राइट, वी आर गॉड्स चिल्ड्रन। वो परफेक्ट बीइंग है जिससे कोई गलती होती ही नहीं है, गलती है ही नहीं उसकी डिक्शनरी में। उसने हमें बनाया है। सोचिए तो सही, हम कितने ब्यूटीफुल हैं, हम कितने परफेक्ट क्रिएशन है उसके, राइट? हम कितने मैग्निफिशेंट है अपने आप में। हम अपने आप में एक अद्भुत, एक मैग्निफिशेंट, एक मास्टरपीस है। हमें इसे रियलाइज करना होगा। वो तो हमें बहुत खुश देखना चाहता है, बहुत कुछ देना चाहता है,
लेकिन गाइस हम सब कुछ करने को रेडी है, मेडिटेशन, हम बाहर की हर चीज को अचीव करना चाहते हैं, सक्सेस, पैसा, शोहरत, सब कुछ, पर सबसे पहले इससे हमें शुरुआत करनी है ये भूल जाते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का दूसरा नाम है लॉ ऑफ लव। उसे लॉ ऑफ लव क्यों कहा गया है? हम आकर्षित, अट्रैक्ट उसी की ओर होते हैं जिससे कि हमें प्यार होता है। और ये यूनिवर्स कहता है कि अगर आप प्यार करते हो, अगर आप प्यार हो, अगर आपको उस चीज से, अगर आपको खुद से प्यार है, तो मैं आपको उस प्यार से ही मिलाता हूँ। सपोज अगर मुझे गाड़ी से प्यार है, तो क्योंकि मुझे वो लॉ ऑफ लव में मैं फिट बैठता हूँ, इसलिए वो मुझे यूनिवर्स दे देता है। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और कुछ भी नहीं है। तो हमें सबसे पहली चीज जो है, हम कहते हैं ना, गॉड इज लव, भगवान की डेफिनेशन ही प्यार है। जिसने संसार बनाया है, जो संसार को रूल कर रहा है, जो सबसे हाईएस्ट एनर्जी है, द क्रिएटर, द डायरेक्टर, सब कुछ, वो खुद प्यार है। तो हमें उस प्यार के साथ में अलाइन होना है। हमें अपने आप को दिन में कई बार, 100 बार क्यों ना हो, हमें अपने आप को कहना है, अपने आप को गले से लगा लेना है और बहुत अनकंडीशनली प्यार करना है। कहना है दैट यस, आई लव यू, आई रियली डू। खुद से बार बार ये चीज कहे। क्यों बाहर से कोई हमें ये कहे? खुद को बार बार ये चीज याद दिलाए दैट आई एम कंप्लीट, आई एम फुल, एंड आई एम ब्यूटिफुल।